रावण की सभा में जब श्री राम और लक्ष्मण के देवता होने की बात करते हैं तो मेघनाद को क्रोध आता है और वो शत्रुओं को मारने की बात करता है। इंद्रजीत रावण से आज्ञा मांगता है कि वो उन पर आक्रमण कर सके और उन्हें रात्रि में ही हमला करके मार दे। कहानी के इन सभी एपिसोड और भजन देखने के लिए सब्सक्राइब करें अमितेश हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल को। लक्ष्मण चेतना में आते ही मेघनाद को ललकारते हैं। मेघनाद एक गुप्त स्थान से देवी निकुंभला को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आयोजन करता है ताकि देवी से दिव्य रथ प्राप्त कर सके और उस पर सवार होकर युद्ध कर सके। भरत ध्यान लगाकर राम को मानस संदेश भेजते हैं कि उन्हें युद्ध में शामिल होने हेतु आने की आज्ञा दें। राम संदेश को प्राप्त करते हैं किंतु भरत को आने से मना करते हैं। तभी विभीषण आकर उन्हें बताते हैं कि मेघनाद देवी निकुंभला का यज्ञ कर रहा है। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा जिस पर आरूढ़ होने के पश्चात उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। विभीषण उन्हें सारी कथा सुनाते हैं। विभीषण मेघनाद के यज्ञ का भेद राम लक्ष्मण को देते हुए कहते हैं कि मेघनाद को मारने का यही उपाय है कि उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। राम लक्ष्मण को यज्ञ विध्वंस की आज्ञा देते हैं। गुप्त यज्ञ स्थल तक का मार्ग बताने के लिए विभीषण साथ जाते हैं। यज्ञ स्थल की सुरक्षा के लिए तैनात असुर सैनिकों पर वानर सेना टूट पड्डा डटती है। सुरक्षा दीवार टूटती है। हनुमान और अंगद यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं किंतु मेघनाद अपने आसन से नहीं हिलता है। आखिरकार हनुमान पानी डालकर यज्ञ अग्नि बुझा देते हैं। मेघनाद विभीषण को देखकर समझ जाता है कि देवी निकुंभला का यज्ञ उसके कारण ही विध्वंस हुआ है। वह विभीषण चाचा को संतानहंता कहकर लक्ष्मण से पहले उसे मारने का ऐलान करता है। मेघनाद विभीषण पर लक्ष्य साधकर यमास्त्र चलाता है लेकिन गंधर्वराज कुबेर पहले ही इस अस्त्र के तोड़ की विधि लक्ष्मण को बता चुके थे, सो लक्ष्मण इससे विभीषण की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात मेघनाद लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाता है। ब्रह्मास्त्र के निकट आने पर लक्ष्मण सिर झुकाकर उसे प्रणाम करते हैं। ब्रह्मास्त्र वापस चला जाता है। इस माया को मेघनाद समझ नहीं पाता। वह अपने धनुष पर पाशुपत अस्त्र का संघान करता है किंतु भगवान शिव का यह अस्त्र भी लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार कर वापस लौट जाता है। मेघनाद परेशान हो उठता है। वह अब की बार नारायण अस्त्र चलाता है किंतु लक्ष्मण तो शेष अवतार हैं। नारायण अस्त्र उनकी प्रदक्षिणा करके लौट जाता है। मेघनाद को अब रण छोड़ने में ही अपनी भलाई दिखती है। वह अंतर्धान हो जाता है। मेघनाद अपने पिता रावण के पास जाता है और बताता है विभीषण के कारण आज उसका यज्ञ अपूर्ण रह गया। वह रावण से कहता है कि जिस प्रकार विभीषण को मारने के लिए उसके द्वारा चलाए गए यमास्त्र को लक्ष्मण ने तेजहीन किया, उससे ऐसा आभास होता है कि वह कोई मानव नहीं अवतार है। रावण मेघनाद के बदले सुर से क्रोधित होता है और उसे कायर कहता है। मेघनाद भी नाराज होता है और कहता है कि राम मनुष्य नहीं है, नारायण के अवतार हैं। वह पिता से सीता को लौटाकर राम की शरण में जाने को कहता है। मेघनाद बताता है कि उसके द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र विफल रहने के कारण वह समझ चुका है कि राम व लक्ष्मण अवतारी पुरुष हैं। रावण मेघनाद की बातों से क्रोधित होता है और उसे युद्ध से हट जाने को कहता है। इस पर मेघनाद कहता है कि पिता से विमुख पुत्र का तो भगवान भी आदर नहीं करते हैं। वह युद्ध भूमि में जाकर वीर की भांति भगवान राम के हाथों मरना चाहेगा। महल के झरोखों से मेघनाद की माता मंदोदरी उसे युद्ध में न जाने को कहती है किंतु मेघनाद इसे पुत्र धर्म के विरुद्ध कहता है। मेघनाद को एहसास है कि अब उसका वध निश्चित है, इसलिए मां से अपनी समस्त भूलों के लिए क्षमा मांगकर विदा लेता है। सुलोचना अपने पति को नैनों से बिना नीर बहाए एक वीर पत्नी की भांति विदा करती है। मेघनाद अट्टहास करता हुआ पुनः लक्ष्मण के समक्ष पहुंचकर युद्ध आरंभ करता है। लक्ष्मण अपने बाण को श्रीराम की आन देकर मेघनाद पर चलाते हैं। यह बाण मेघनाद का शीश काटकर गिरा देता है। गुप्तचर शूक मेघनाद वध की सूचना रावण को देता है। रामायण एक भारतीय टेलीविजन श्रृंखला है जो इसी नाम के प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य पर आधारित है।
यह श्रृंखला मूल रूप से 1987 और 1988 के बीच दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी। इस श्रृंखला के निर्माण, लेखन और निर्देशन का श्रेय श्री रामानंद सागर को जाता है। अतः आप सभी दर्शकों से एक बार पुनः प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अमितेश हिंदी कहानी को और साथ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।